आंखें खोलो ताबा। कुछ नहीं हुआ है। गाल परी के गुब्बारे ने हमें कवच के उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया है। हम परीलोक आ गए हैं। अरे नहीं नहीं मोंटू बॉस मारेंगे नहीं। ये देखो मोंटू बॉस ने तो तुम लोगों के लिए पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक सब मंगवा के रखा है। आओ आओ खाओ जल्दी आओ। हम नहीं खाएंगे। जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। हाँ 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 मिलाया होगा। हाँ हाँ अरे कुछ नहीं मिलाया है। जल्दी आओ। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना। ठीक है हम खा के बताते। मोंटू बॉस कम हियर। देखा मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिला है। आओ खा लो। बेवकूफ तुम सारा खाना खा गए और ये बच्चे लोग तुम्हारा क्या सर खाएंगे। बुक्कर खाई के बुक्कर खाई के सर से खाएंगे। सॉरी बस सॉरी। सॉरी मत बोल। जल्दी से कोई आइडिया बताओ जिससे मैं परीलोक जा सकूं। तब तो वहां समारोह शुरू भी हो गया होगा। सोचो। आपके मनोरंजन के लिए एक विशेष कार्यक्रम संगीत और नृत्य का जो करेंगे पेश परिया। हाँ और बच्चे पृथ्वीलोक से आए हैं तो कार्यक्रम में पृथ्वीलोक की ही झलक होगी।
दोस्तों, तुम लोगों ने घोड़े की तो सवारी की होगी, लेकिन आज पहली बार तुम एक हाथी की सवारी करोगे। करोगे ना? हाँ। नहीं। बॉस, ऊपर जाना है ना? ऊपर जाए तेरे जैसा दुश्मन। अरे मोंटू बॉस, ऊपर जाना मतलब परीलोक जाना है ना? हाँ। सम्मान चाहिए ना परीलोक के हाथ से। तो मोंटू बॉस, बैठा हुआ ना अपने पीठ के ऊपर। चलो मोंटू बॉस। अरे चलो, अरे चलो, 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 अरे चलो, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे बैठो, चलो, एक एक करके आ जाओ। हाँ, अच्छा आ जा, बैठ बैठ। तो मोंटू बॉस, लगता है इसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? बेटा तो चलो अंकल, लेके जाते इसे। हाँ चलो। पर कैसे लेके जाएं? मेरी गाड़ी से। संभालो संभालो जल्दी। चलो आराम से। मोंटू बॉस, अब आप परलोक जाने का सपना छोड़ दो। हाँ बॉस, अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ, अब मेरा परलोक जाने का सपना सपना ही रह गया। अब मुझे परलोक कोई चमत्कारी लेके जा सकता है। ये इनविटेशन कार्ड आ गया, ये मुझे वापस करन मारेगा। रोहित केवल बचाओ। डरो मत मोंटू, मैं तुम्हारा ही निमंत्रण पत्र हूँ। तुमने उस घायल बच्चों को वेदशाला पहुंचा कर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। इसका मतलब मैं परीलोक जा पाऊंगा? हाँ, वो देखो बादलों का रथ। बादलों का रथ? रोहित केवल। चलो मोंटू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे लिए स्पेशल रथ मंगाओ, मैं इस विद्धि सलोनी के साथ नहीं जाऊंगा। मोंटू, ज्यादा होशियारी मत मार, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। हाँ मोंटू बॉस, ये सही कह रही है। हाँ बॉस, जल्दी से बैठ जाओ, वरना ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। हाँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का दिल बहुत ग्रेट है, इसलिए वो तेरे साथ आएगा। चलो, हाँ, चलो। सुनो 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 सुनो, बनाएंगे आपकी परिलोक की मुलाकात को यादगार, और है करते अब हम पेश मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को। अगला डांस मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी करेगा। ये मोंटू ना चिपकू है चिपकू, आखिर हम तक पहुंच ही गया। कोई बात नहीं मानो, इस बार ने इसने एक अच्छा काम तो किया होगा ना। हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ हम जहाँ जाते हैं ना हम जहाँ जाते हैं ना वहां हम छा जाते हैं जानी। अब देखो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का जलवा।
वाह वाह, मेरे पोता पोती परीलोक गए, बात सुनकर मैं तो क्राउड क्राउड फील कर रही हूँ। क्राउड नहीं माँ, प्राउड प्राउड। हाँ वही, सेम टू सेम। ये सब छोड़ो, इतने खुशी के समाचार आए, मिठाई तो बनती है कि नहीं? हाँ। मिठाई तो मैं पहले से लेकर आई हूँ। अरे वाह, काजू कतरी। अच्छी है ना? अच्छी नहीं, गजब है, बहुत ज्यादा अच्छी है। रॉकी भैया को दीजिए, माँ को दीजिए। रॉकी रॉकी ले। अरे वाह, कैसी है? यम यम। क्या था माँ? खाओ ले। लंगी लंगी। वाह मस्त। मस्त ना? बहुत अच्छी। तो मुझे दो मिठाई। मिठाई? ये ये मिठाई आपको नहीं दूंगी। तो? मैंने आपके लिए ना एक स्पेशल मिठाई बनाई है। स्पेशल मिठाई? वो लेकर आती हूँ। बैठिए, ले बेटा ले। एकदम मस्त है। सुना महेश, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए स्पेशल मिठाई बनाई है। स्पेशल? मुझे माँ ने अपने हाथों से बनाई है। ये आ गई आपकी स्पेशल मिठाई। खूब खा। नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। महेश, तुम्हारी माँ अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाएगी। खाइए जी, भर के खाइए। ये मिठाई कितनी कड़वी है। हाँ तो कड़वी होगी ना बापूजी। भाई ये तो नीम के पत्ते और करेले के जूस में से बनाई है मिठाई। हाँ। आप लोग ने मुझे नीम के पत्ते और करेले के जूस वाली मिठाई खिलाई? नहीं नहीं, तो? मुझे ये मिठाई खानी है। रोगी, रोगी। नहीं, ये मिठाई खाने से आपको डॉक्टर ने मना किया। अरे डॉक्टर में अक्कल नहीं है। हाँ? मुझे ये वाली मिठाई खानी। नहीं नहीं, ये मिठाई खाने से पहले आपको डॉक्टर की एलओसी मंगवानी होगी। एलओसी नहीं माँ, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन मुझे आम मिठाई खानी है। नहीं, मैंने कहा ना, डॉक्टर ने मना किया है। मुझे खाने तो ये मिठाई। देखिए, ये मिठाई मैं आपको खाने तो क्या सूंघने भी नहीं दूंगी। हाँ भी। कस्तूरी, अब डॉक्टर का नहीं, भगवान का एनओसी लेके आऊंगा। भगवान खुद तुम्हें बोलेंगे कि मुझे मिठाई खिलाओ, और तुम्हें खिलानी पड़ेगी, देख लेना। दयात्यानी, है देख लिया हमें सुरक्षा परी ने, अब नहीं बचेंगे हम। ये गुब्बारे में तो दयात्यानी और तौबा तौबा आ रहे हैं। सुरक्षा परी, दयात्यानी और तौबा तौबा तो इसी तरफ आ रहे हैं। क्या, ये कैसे हो सकता है? रानी परी के लगाए सुरक्षा कवच को तोड़ना असंभव है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहां नहीं, वहां नहीं, यहां देखो। कर नहीं पाई सुरक्षा खुद की भी। बेवकूफ परी, अब तुम्हारे नाक के नीचे से
मैं उन बच्चों का अपहरण करूंगी, पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति, हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सौरभ मोतवानी, हरियाणा के विनीत भरीचा, न्यू दिल्ली के आर्यन वधवा, अहमदाबाद के अक्षत रांका, महाराष्ट्र के नेवा बाविष्कर, वेस्ट बंगाल के अनिमेश भट्टाचार्य, महाराष्ट्र के आयन मीर और मुंबई की दिशा जैन, इन सभी बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा वृद्ध महिलाओं को सड़क पार करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है अमरावती की आभा वैद्य ने। दोस्तों, आभा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह उन्होंने गिरा हुआ पर्स उसके सही मालिक तक पहुंचाकर अपनी ईमानदारी दिखाई। बहुत अच्छे आभा, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहें। तो दोस्तों, अगर आभा की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।